तरकासी सिलक्यारा टनल हादसे को आज 4 दिन बीत चुके हैं। टनल हादसे में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू पार लगातार जारी है। टनल के अंदर ऑक्सीजन और खाना 4 इंच की ऑक्सीजन पाइप से सप्लाई किया जा रहा है। जो पाइप पहले पानी की निकासी के लिए लगाया गया था, उसी के जरिए खाना और ऑक्सीजन भेजी जा रही है। आज इसकी पुष्टि भी की गई है। वहाँ से लोग इसी पाइप के जरिए सुरक्षित होने का संदेश भी दे रहे हैं। तो वहीं सिलक्यारा टनल हादसे में अंदर फंसी हुई लोगों को कैसे खाना पानी ऑक्सीजन और उनसे बात की जा रही है। उत्तराखंड पेयजल निगम के GM और ड्रिलिंग बोरिंग के विशेषज्ञ दीपक मालिक इस अभियान के तकनीकी पक्ष और ड्रिलिंग प्रक्रिया की अगुवाई कर रहे हैं। इस बीच जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रेम पोखरियाल के साथ टनल के अंदर जाकर पाइप के जरिए मजदूरों से बातचीत की और उनका हौसला अफजाई किया। डॉक्टर पोखरियाल ने मजदूरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली और स्वास्थ्य संबंधित कुछ हिदायतें भी दी है। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप। और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिसपे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति है उस कार्य में, तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। देखिए, जो अभी लास्ट में अभी अंदर गया था तो अभी हमने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ था, वहाँ पे 2-3 लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। और एक की तबीयत खराब बताई थी तो उसको मेडिकल भिजवाया गया और वो अभी एकदम ठीक है। मतलब सब कुछ जो चल रहा है प्रोसेस वो अहेड ऑफ टाइम चल रही है। जो ऑगर मशीन आई थी उसके लिए प्लेटफॉर्म बना लिया गया है और आधे घंटे में वो ऑगर करना चालू कर देगी। और जो टेक्निकल लोग बता रहे हैं कि ऑगर एक बार ऑगर चालू हुआ तो पता चलेगा कि किस स्पीड से ऑगर कर दी है, और जैसे ही ऑगर होगा तो हम पाइप बिछाने के चालू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अभी के लिए ये अपडेट यही कि सभी लोग सेफ हैं, सभी लोग एकदम सेफ हैं। उनके परिजन भी आ गए हैं, उनके परिजनों को भी अंदर लेके गए थे भी हम, और परिजनों की उनके जो अंदर है उनसे बात भी कराई गई, तो साइकोलॉजिकल जो एक फीलिंग है वो एस्टैब्लिश हो गया है उनका वहाँ से। तो अभी सब कुछ सेफ है, सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है। कब तक सर क्या संभावना, कब तक निकाल पाएंगे? देखिए, टाइमलाइन तो टेक्निकल लोग ही दे पाएंगे, बट जो मेरी बात हुई उनसे वो कह रहे हैं कि कल अर्ली मॉर्निंग तक या दिन तक हो जाएगा। आपका कोई फंसा हुआ है यहाँ पर? जी, मेरे पापा है, जिनका नाम गबर सिंह नेगी है, वो यहाँ की सुपरवाइजर है। और आज सुबह 8:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको, और घर में ये बोलना कि मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ कंपनी बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, सभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत। आपने खुद बात की उनसे? जी, मैंने पाइप के थ्रू। जी, पाइप के थ्रू। कुशल हैं वो सब लोग? जी, सब कुशल हैं।